हेलो एवरीवन वेलकम ऑल इन डिफेंस ऑफिसर्स चैनल आप सभी लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे और आज हम लोग देखने जा रहे हैं आर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जून ट्वेंटी का नोटिफिकेशन इस नोटिफिकेशन का इंतजार बच्चों को काफी टाइम से था और वो नोटिफिकेशन आ चुका है तो आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या दिया है सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम इस नोटिफिकेशन की देख लेंगे और जो बच्चे आर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि और बच्चों को भी मालूम चल जाए नोटिफिकेशन हैज़ कम ओके तो नोटिफिकेशन आ चुका है आई के बारे में बात कर लेते हैं तो एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा आप चाहें तो जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दिया है आप वो डिटेल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं बट अभी फ़िलहाल के लिए जो प्रेस रिलीज़ है इस नोटिफिकेशन की वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ और इसी में सारी इन्फॉमेसन दी है जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारी वो इस प्रेस रिलीज़ में आपको देखने को मिल जाएगी और उसके अलावा इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी क्वेरी आप हमें फ़ोन करें और हमसे आप डाउट्स पूछ सकते हैं ओके okay? तो आइए बात करते हैं नोटिफिकेशन uh, की ओके चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड तो सबसे पहले क्या क्या पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है तो प्रेस रिलीज है ये जून 2023 नोटिफिकेशन का यही प्रेस रिलीज का मतलब है यही जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं सब में यही प्रेस रिलीज वो देंगे ताकि आ, सारे लोगों को मालूम पड़ जाए कि आर ने नोटिफिकेशन आउट कर लिया है ठीक है तो पेरेंट्स सबमिट फॉल्स इंफॉर्मेशन और सबमिट फॉल्स या फोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ देयर वर्ड्स विल बी लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर IPC Act 424, 67, 468 and 471. एंड तो कॉशन है एक चेतावनी दी है कि पेरेंट्स फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट ना करे बच्चे की नहीं तो आपके खिलाफ uh, कार्रवाई हो सकती है ये सारी डिटेल्स उसकी दी हैं ठीक है ओके okay, तो मैं भी ये कहूँगा कि आप फॉल्स डॉक्यूमेंट्स ना दें या फॉल्स इन्फॉमेसन ना दें बच्चे की अगर बच्चा आपका एलिजिबल नहीं है तो उसको आर्मी से एग्जाम मत दिलाइए चलिए सो वेट इज द फर्स्ट पॉइंट पहले थोड़ा सा आर एम सी के बारे में इसमें दिया है दैट आर एम सी इज अ कैटेगरी ए ट्रेनिंग स्टैब्लिशमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द कॉलेज वॉज स्टैब्लिश इन नाइनटीन ट्वेंटी टू विद प्राइमरी एम ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑल राउंड एजुकेशन ठीक है ये तो हमें मालूम ही है नाइनटीन ट्वेंटी टू में स्टैब्लिश हुआ था प्राइमरी एम यही था कि एक ऑल राउंड एजुकेशन बच्चों को दी जाए ठीक है अच्छा सो द एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर एडमिशन टू क्लास एट्थ और क्लास एट्थ में आर एम सी में एडमिशन होता है ये तो हमें मालूम ही है और जो कोर्स है ये जो टर्म है ये जनवरी 2024 वाला टर्म है ठीक है आप एग्जाम तो देंगे जून में लेकिन जब आपका एडमिशन होगा वो होगा फर्स्ट ऑफ जनवरी 2024 तो फर्स्ट ऑफ जनवरी ट्वेंटी के अकॉर्डिंगली हमने बच्चों की एलिजिबिलिटी देखनी पड़ती है यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पेरेंट्स को होता है आइए उसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे टेड एट स्पेसिफाइड सेंटर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स थर्ड ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री उस दिन सैटरडे है तो तीन जून को आप लोगों का एग्जाम है तो एग्जाम डेट आ चुकी है डू रिमेम्बर एग्जाम सैटरडे है उस दिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंट्री एज पहले एज के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें अगेन पेरेंट्स को काफी कन्फ्यूजन रहता है तो इसमें क्या दिया गया है देखिए इसमें दिया गया है कि बच्चा साढ़े ग्यारह से कम का नहीं होना चाहिए और तेरह साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए अब पेरेंट्स क्या करते हैं साढ़े ग्यारह से तेरह उनको पता रहता है मेरा बच्चा इतने साल का है तो जब एग्जाम होता है वो देखते हैं कि अभी तो मेरा बच्चा तेरह से कम का है तो बच्चा दे सकता है एलिजिबल है लेकिन मैंने क्या कहा आपसे मैंने कहा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन हमें देखना पड़ता है तो सबसे बेस्ट क्या है पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा सबसे बेस्ट है तो ये जो डेट ऑफ बर्थ आपको ये जो खाके ये जो डेट्स के खाके आपको दिए हैं ना सेकेंड जनवरी टू से लेकर एक जुलाई दो इस बीच में देखिए आप आपके आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आ रही है नहीं आ रही फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बच्चे की डेट है सेकेंड ऑफ जैन टू ये अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है तो बच्चा आपका एलिजिबल है इस बार का आर का एग्जाम दे सकता है एलिजिबल एज वाइज की मैं बात कर रहा हूं अभी हमने एजुकेशन वाइज नहीं देखा अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट ऑफ जुलाई 2012 थाउजेंड है, है तब भी बच्चा एलिजिबल है वो भी इस बार का एग्जाम दे सकता है या अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इन दोनों जो एक जो डेट्स हैं इन दोनों के अगर बीच में हैं ठीक है थीके? कुछ भी हो सकती है वो थर्ड ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व हो सकता है या टू थाउजेंड इलेवन हो सकता है तो बीच की जो डेट्स हैं उसमें भी बच्चा एलिजिबल होगा तो ये देखिएगा ये बहुत ईजी रहता है हम भी ऐसे ही चेक करते हैं जब भी पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि हमारा बच्चा एलिजिबल है या नहीं है तो हम बच्चों की डेट ऑफ बर्थ इसलिए मांगते हैं ताकि इस इस फ्रेम में इस विंडो के बीच में हम बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चेक कर ले कि वो उसमें एलिजिबल है या नहीं है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट डेट ऑफ बर्थ या एंट्री एज आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या फंडा है आइए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ये फंडा है ये भी एलिजिबिलिटी देखना साइमिलटेनियसली जरूरी है और उसमें साफ साफ दिया है कैंडिडेट शुड बी आइदर इन क्लास सेवेंथ एट द टाइम ऑफ एडमिशन मतलब दैट इज फर्स्ट चैन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो एक जनवरी 2024 में या तो बच्चा सेवेंथ में होना चाहिए या तो सेवन्थ पास होना चाहिए तो ये क्या है मिनिमम एलिजिबिलिटी uh, है एजुकेशन वाइज ओके इसका मतलब ये है कि जो बच्चा फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूँ अगर कोई बच्चा अभी क्लास में है मतलब अभी सिक्स में जाएगा जो नया सेशन आएगा ठीक है ये मार्च अप्रैल वाला जो नए सेशन आने वाले हैं सपोज उस वक्त बच्चा अगर सिक्स में जाएगा तो नेक्स्ट ईयर जनवरी में वो सिक्स में ही होगा तो वो एलिजिबल नहीं है एजुकेशन वाइज ठीक है हाँ लेकिन जो बच्चा सेवेंथ में जाएगा अभी सपोज अभी सिक्स में है अभी एग्जाम्स बच्चों के होने वाले हैं या किसी बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं जो बच्चे सेवेंथ में जाएंगे वो फर्स्ट जनवरी 2024 को बच्चे वो सेवंथ में होंगे तो दे आर एलिजिबल ठीक है तो मोटा मोटा मैं ये कहना चाहूँगा इन ने ने शेल जो बच्चा अभी सेवंथ क्लास में है वो अभी एलिजिबल है या जो सेवंथ में जाएगा वो एलिजिबल है जो अभी सिक्स में बच्चे जाएंगे दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दी आर एम सी एग्जाम ठीक है थीके? दे आर नॉट एलिजिबल एजुकेशन वाइज क्या पता एज वाइज हो सकते हैं फिर भी अगर कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो तो जो हमारे नंबर्स दिए रहते हैं प्लीज़ उनमें कॉल करें और हमसे अपने डाउट्स क्लेरिफाई करें कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं दो फॉर्म्स आते हैं आर के साथ दोनों में से एक भेज देते हैं उनको लगता है कि एक में अगर गलती कर दी तो दूसरा भेज दो दोनों फॉर्म्स को भेजना जरूरी है चलिए बाद में उसके बारे में भी बात करेंगे आते हैं पॉइंट नंबर फाइव में व्हाट इज़ द व्हाट इज द स्कीम ऑफ द एग्जाम तो रिटर्न एग्जामिनेशन है मैथ्स कि जो टाइमिंग्स है वो नाइन थर्टी टू टेन हंड्रेड एलेवन हंड्रेड आवर्स है तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ ट्वेंटी फोर आवर्स फॉर्मेट में आपको टाइम मालूम होना चाहिए जो मैथ्स का पेपर है सबसे पहले मैथ्स का पेपर होगा ऑन थर्ड ऑफ जून और वो होगा साढ़े नौ से ग्यारह बजे तक सुबह डेढ़ घंटे का पेपर होता है मैथ्स का फॉलोड बाई जीके का पेपर एक घंटे का गैप मिलता है बीच में फिर ग्यारह से बारह का गैप मिलेगा फिर बारह से एक एक घंटे का पेपर जीके का होता है उसके बाद बच्चों को फिर से डेढ़ घंटे का गैप मिलता है और फिर ढाई से साढ़े चार इंग्लिश का पेपर होता है इंग्लिश का पेपर दो घंटे का होता है जीके का पेपर एक घंटे का होता है और मैथ्स का पेपर वन एंड हाफ आवर का होता है ठीक है तो ये आपको ट्वेंटी फोर आवर्स फॉर्मेट में टाइम दिया है ताकि ए एम पी एम का कंफ्यूजन ना हो फोर्टीन थर्टी टू सिक्सटीन थर्टी आवर्स का मतलब ही है से तो ये से साढ़े चार कोई एएम पी एम लगाने की कोई जरूरत नहीं है और होना का भी एग्जाम थर्ड ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और सैटरडे है उस दिन ठीक है तो ये डेट ध्यान रखना दिमाग में थर्ड ऑफ जून का टारगेट बना के अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए ओके okay, और उसके बाद फिर इन्होंने इंटरव्यू की भी बात करी है वाइवा वॉइस की बात करी है डेफिनेटली जो बच्चे रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वही इंटरव्यू देंगे और उनको डेट्स बता दी जाएगी इंटीमेट कर दिया जाएगा डेट के बारे में और बेसिकली बच्चों का इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किया जाता है इंटरव्यू में ओके okay, इन चीजों पर फोकस किया जाता है डेफिनेटली मेडिकल एग्जामिनेशन तो होगा ही क्योंकि आर आई एम सी एक फीडर इंस्टीट्यूट है जो चाहता है बच्चे आर्म फोर्सेज ज्वाइन करें तो मेडिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है आर मेडिकल टर्म्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता तो जो बच्चे रिटर्न क्वालीफाई करेंगे उनका इंटरव्यू भी होता है और इंटरव्यू के बाद उनका मेडिकल भी होता है चाहे वो रिजर्व लिस्ट में क्यों ना हो उनका भी मेडिकल होता है बच्चों का एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट कम्स और उस फाइनल मेरिट लिस्ट के हिसाब से समझ में आ जाता है कि कौन बच्चा सिलेक्टेड है और उनको फिर जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं एंड देन दे ज्वाइन आर आई एम मेडिकल एग्जामिनेशन में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे आफ्टर वाइवा वॉयस विल अंडर गो अ मेडिकल एग्जामिनेशन एट सिलेक्टेड मिलिट्री जो मिलिट्री जो हॉस्पिटल्स उनके एरिया में होंगे एंड ओनली दोज कैंडिडेट्स फाउंड मेडिकली फिट विल बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन ध्यान दीजिएगा जो बच्चे मेडिकल फिट होंगे चाहे उनकी फर्स्ट रैंक क्यों ना आ जाए आर में बट इफ दे आर नॉट मेडिकली फिट तो उनका एडमिशन या सिलेक्शन नहीं होगा आर में द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर्म्स ओनली अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस डज नॉट इम्प्लाय द फाइनल सिलेक्शन तो मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब ये मत समझ लेना कि मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया बच्चे का तो फाइनल सिलेक्शन हो गया अगेन आपको पता है हर स्टेट से एक एक सीट्स रहती हैं ठीक है थीके? तो अभी इसमें कोई कंफर्म नहीं रहता सिलेक्शन का ओके okay? क्या पता है मेडिकली अनफिट हो जाए क्या पता आ, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है क्या पता स्टेट कोटाज भर जाए हर स्टेट से एक एक सीट जैसे कि आपको मालूम ही है तो ये थोड़ा सा इसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा क्योंकि सीट्स आर वेरी लिमिटेड ओके सीट्स के लिमिटेड होने की वजह से थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है एग्जाम इज नॉट टफ सीट्स आर लिमिटेड मैं बच्चों को बता देता हूँ, ठीक है अच्छा ना वट इज द नेक्स्ट पॉइंट द डी पॉइंट को भी देख लेते हैं तो मैं डायरेक्टली प्रेस रिलीज में जो चीजें दी हैं वो बता रहा हूँ, आप चाहे तो डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन आया है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा तो ये जो डी पॉइंट है यह क्या है दॉ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन टेक दियर एग्जाम एंड इंटरव्यू एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ एम्प्लॉय या डोमिसाइल स्टेट दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट ये इम्पॉर्टेंट है अभी अभी एक पेरेंट्स का फोन भी आया था मुझसे यही पूछ रहे थे कि सर अगर मैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मेरा डोमिसाइल अगर गुजरात का है लेकिन मैं दिल्ली पोस्टेड हूँ तो क्या मैं बच्चे को दिल्ली से एग्ज़ाम दिलवा सकता हूँ बिल्कुल दिलवा सकते हैं क्या बच्चे का इंटरव्यू भी दिल्ली होगा बिल्कुल होगा लेकिन बच्चा कहाँ से फ़ाइट कर रहा है जहाँ से उसका डोमिसाइल है ये ध्यान रखना ठीक है वो दिल्ली से फ़ाइट नहीं करेगा दिल्ली में एग्जाम ज़रूर दे सकता है क्योंकि फादर की पोस्टिंग वहां पर है दिल्ली में इंटरव्यू ज़रूर दे सकता है लेकिन फाइट कहाँ से करेगा जो भी उसका रेस्पेक्टिव जहां पर भी उसका डोमिसाइल है ठीक है आर्म फोर्सेस की बात करो अगर किसी के फादर आर्मी में है और उत्तर प्रदेश से हैं लेकिन अंडमान एंड निकोबार पोस्टेड है ठीक है तो उस केस में आप अंडमान निकोबार बच्चे भी सारे वहीं हैं स्कूलिंग वहीं से कर रहे हैं तो बच्चा वहां से आएगा लखनऊ एग्जाम देने के लिए तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए आराम ने प्रोविजन दिया है अगर पेरेंट्स वहाँ पोस्टेड हैं तो एक सर्विस सर्टिफिकेट साथ में देना पड़ता है और बच्चे का एग्जाम पोर्ट ब्लेयर में ही होगा लेकिन अंडमान से वो सीट फाइट नहीं करेगा वो सीट फाइट कहाँ से करेगा जहाँ से उसका डोमिसाइल है यूपी से ही सीट फाइट करेगा ये बात आपको ध्यान में रखनी है हाउ एवर देयर कैंडिडेचर विल बी कंसिडर फ्रॉम देयर ओरिजिनल डोमिसाइल स्टेट ओनली तो जहाँ से डोमिसाइल है वहीं से उसका कैंडिडेचर को कंसिडर किया जाएगा इट इज देयर फॉर मैंडेटरी टू सबमिटेड द एप्लीकेशन इन द सेम स्टेट वेर द एग्जाम हैज टू बी टेकन तो ध्यान दीजिएगा जहां पर एग्जाम होगा बच्चे को जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था गुजरात वाला एक बच्चा है उसका डोमिसाइल गुजरात का है लेकिन फादर डेली में पोस्टेड है वो तो चाहते हैं कि डेली में एग्जाम हो तो डेली में ही एप्लीकेशन फॉर्म भेजना पड़ेगा ठीक है लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ के गुजरात के अटैच होंगे वो एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा डेली बच्चे का एग्जाम डेली में होगा वाई भी डेली में होगा लेकिन बच्चा बच्चे की जो सीट कंसिडर करी जाएगी वो गुजरात से करी जाएगी आई थिंक ये चीज़ समझ में आया है अभी अभी एक पेरेंट्स का फोन आया था उनको मैं ये चीज़ समझा समझा रहा था अच्छा उसके अलावा क्या है इंटरव्यू के बारे में ऑलरेडी हमने देख लिया है जो बच्चे रिटर्न एग्जाम करेंगे उन्हीं का इंटरव्यू होगा ओके okay? और फिर रिजल्ट्स रिजल्ट्स आपके आर आई की वेबसाइट में आर में अपलोड कर लिए जाते हैं तो कैंडिडेट को उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैंडिडेट की कि वो रेगुलरली चेक करें हम भी चेक करते हैं और अगर हमें जैसे ही पता चलता है रिजल्ट आ गया तो उसका नोटिफिकेशन हम लोग बच्चों को देते हैं यूट्यूब के थ्रू ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि हाँ भाई रिजल्ट आ गया है एग्जामिनेशन सेंटर्स की मैं बात करूँ तो एग्जामिनेशन सेंटर्स बेसिकली स्टेट की कैपिटल्स होती हैं ठीक है थीके? और बेसिकली जो भी आपको प्रॉस्पेक्टस मिली होगी आर फॉर्म के साथ उसमें सारी लिस्ट रहती है जैसे मैंने उत्तर प्रदेश की बात करी थी तो करी थी तो लखनऊ में आपका सेंटर पड़ेगा अगर कोई बच्चा उत्तराखंड से है तो देहरादून में उसका सेंटर पड़ता है जो भी स्टेट की कैपिटल्स हैं वहीं पर सेंटर्स देखने को मिलते हैं ठीक है चलिए आई होप कि ये समझ में आ गया हो बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ अब फी स्ट्रक्चर भी है इसमें दे रेखा वैसे है तो ये बात की चीज़ें लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ठीक है एनुअल फ़ी सेवेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड सिक्सटी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड फॉर एस सी एस टी कैंडिडेट्स ओके एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट ईयर क्योंकि फर्स्ट ईयर में कुछ और एडिशनल चीज़ें आपको देनी पड़ती होंगी द फी स्ट्रक्चर मे बी रिवाइज पीरियडिकली डिटेल ऑफ़ द एनुअल फी फॉर द फर्स्ट ईयर इज एज अंडर पहले साल की डिटेल यहाँ पर दी है ओके बाकी फिर अगले दूसरे साल से एनुअल फी इतनी देनी पड़ेगी ओके और ये रिवाइज भी होती रहती है तो कोई ऊपर नीचे होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब जैसे जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर की सेवेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है हमने देखा था लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है थर्टी थाउजेंड फर्स्ट टर्म में तो टोटल तो फीस आती है वन लाख सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड हो जाती है जब कैडेट ग्रेजुएट करता है कॉलेज से तो आपको वो थर्टी थाउजेंड वापस मिल जाएंगे रिफंड मिल जाएगा एस सी एस टी की बात करूँ फर्स्ट ईयर की टोटल फी कितनी है सिक्सटी थ्री नाइन थाउजेंड तो है ही एनुअल फ़ी तो हमने देख ली फिर से सेम सिक्योरिटी देनी पड़ती है और वो टोटल बनाता है नाइन्टी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड का तो नाइन्टी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड टोटल फीस फर्स्ट ईयर में जमा होती है प्लस अगेन सिक्योरिटी की मैंने बात कर ली है वो आपको वापस मिल जाएगी जब बच्चा ट्वेल्थ पास कर लेगा या ग्रेजुएट हो जाएगा नाउ वट इज़ द प्रोसीजर टू ऑपटेन एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ यहाँ पर भी काफ़ी क्वेरी आती है पेरेंट्स की कि क्या प्रोसीजर है एप्लीकेशन फॉर्म्स को मंगाने का प्रॉस्पेक्टिस कम एप्लीकेशन फॉर्म मतलब प्रोस्पेक्टिस भी मिलता है एंड बुकलेट ऑफ ओल्ड क्वेश्चन पेपर और साथ में जो लास्ट सेवन ईयर है वो भी बच्चों को मिलते हैं कैन बी ओपटेन फ्रॉम द राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज आई एम सी से आपको मिल सकती है विच इज इन गड़ी कैंड देहरादून बाई फॉलोइंग मेथड अब क्या क्या तरीके हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कैसे आपको आर आई एम सी देहरादून से ये सारे मिलेंगे इसमें सबसे पहले तो ऑनलाइन पेमेंट का तरीका है ठीक है द फर्स्ट वे कि आप क्या करें ऑनलाइन पेमेंट करें ठीक है ओके ऑनलाइन पेमेंट करें बाय मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ रुपीज सिक्स हंड्रेड छह सौ रुपए की पेमेंट करें फॉर जनरल कैंडिडेट्स और फाइव फिफ्टी फाइव की पेमेंट है फॉर एससी एस टी कैंडिडेट कैसे करेंगे आरएमसी की वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पर आपको इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली वहां पर आपको सारी चीजें दे रखी होगी मेंशन होगी कि किस तरीके से आप उसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं फॉर्म ठीक है तो उसका क्या तरीका है वो मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर बताऊंगा हाँ बच्चे को ऑनलाइन ही जो मनी है वो वहाँ डिपॉजिट करनी पड़ती है उसके अलावा अपना एड्रेस प्रॉपर्ली डालना पड़ता है ताकि आपके पास वो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए फिर आराम वाले आपको स्पीड पोस्ट करते हैं दूसरा तरीका है डिमांड ड्राफ्ट का तरीका है अब थोड़ा सा पुराना हो चुका है लेकिन कुछ पेरेंट्स चाहें तो इस इस तरीके से भी मंगा सकते हैं द प्रोस्पेक्ट कम एप्लीकेशन फॉर्म साथ में क्वेश्चन पेपर्स आपको भेजे जाएंगे जब आप डिमांड ड्राफ्ट छः सौ रुपये का फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड फाइव फिफ्टी फाइव फॉर एस सी एस टी कैंडिडेट्स साथ में कास्ट सर्टिफिकेट भी जरूरी है ठीक है क्यों जरूरी है एस सी एस टी के लिए साथ में वो भी भेजोगे आप और डी डी जो बनाओगे डिमांड ड्राफ्ट को किसके फेवर में बनाओगे द कमाडांट आर आई एम सी देहरादून ड्रॉई ब्रांच एस बी आई तेल भवन देहरादून बैंक कोड भी दिया है सारी इन्फॉर्मेशन दी है इसमें आपको ठीक है तो इस नाम का डी डी बना के एंड द एड्रेस शुड बी टाइप रिटर्न क्लियरली इन द कैपिटल लेटर्स और याद रखना है कि जब आप डी भेजेंगे तो जो आपका एड्रेस होगा वो आप प्रॉपरली टाइप्ड भेजिएगा ताकि वो आपको दोबारा जो प्रोस्पेक्टस है या एप्लीकेशन फॉर्म है वो भेज सके ठीक है और कॉन्टेक्ट नंबर भी साथ में भेजिएगा उनको आर एम सी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले और लॉस इन ट्रांजिट ऑफ प्रोस्पेक्टस कॉज बाय एलिजिबल और इनकम्प्लीट एड्रेस ठीक है अगर आपका एड्रेस एलिजिबल होगा ठीक है या उसमें कोई कमियाँ होंगी और आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिला तो आर एम सी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट तो so प्रॉपरली अपना जब आप डी भेजेंगे उनको साथ में जो एस सी एस टी हैं कास्ट सर्टिफिकेट भी भेजेंगे तो साथ में अपना एक सेल्फ एड्रेस भी भेजिएगा प्रॉपरली ताकि उनको वो जो एड्रेस है प्रॉपरली टाइप्ड हो और उसका प्रिंट आउट निकाल के भेजिएगा ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो आपको एप्लीकेशन कम प्रोस्पेक्ट्स कम लास्ट सेवन ईयर्स साथ में भेजने में कोई प्रॉब्लम ना हो द डिले ऑन पार्ट ऑफ़ द पोस्टल डिपार्टमेंट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर एम सी और कभी कभी पोस्टल डिपार्टमेंट वाले भी का काफ़ी लेट करते हैं कभी कभी आप फ़ोन करते हो पोस्ट ऑफिस को तो पता चलता है कि उन्हीं के पास फॉर्म है और उन्होंने अभी तक पहुँचाया नहीं तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ठीक है बाई पोस्ट मंगाने में थोड़ा सा डिले रहता ही है ठीक है तो ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको सबमिट करने होते हैं इसके बारे में बात करते हैं जब आप एप्लीकेशन फॉर्म्स भरेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये इसलिए बात कर रहे हैं ताकि पेरेंट्स अगर देखें कि ये डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है तो अभी से वो कार्रवाई करें और वो डॉक्यूमेंट्स को बनवा लें डॉक्यूमेंट्स so क्या क्या so रिक्वायर्ड application है जो एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म्स है ठीक है उसमें दो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेंगे दोनों ही जाएंगे द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी अटैच विद एप्लीकेशन फॉर्म आर एज अंडर ठीक है और क्या क्या है वो मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं साथ में एप्लीकेशन फॉर्म जब आपको मिल जाएगा जब आप भरोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए लेट्स टॉक अबाउट दिस दिस नाइन पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है नाइन्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपने नहीं भेजा तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा दे विल नॉट कंसर इट ठीक है तो सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है इट शुड बी इशूड बाय द मुंसिपल कॉर्पोरेशन या ग्राम पंचायत ठीक है दूसरा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो जिसको हम स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं वो होना जरूरी है उसी से समझ क्योंकि स्टेट कोटा है ना स्टेट की सीट्स है ना फिक्स्ड तो वो जरूरी है एस सी सर्टिफिकेट अगर अगर एप्लीकेबल हो अगर एस सी कैंडिडेट हो तो एस सी सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है पहले तो नहीं मांगा जाता था लेकिन अब मांगते हैं क्योंकि डेफिनेटली उसमें फीस में काफी अंतर है उसके अलावा अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड एंड द क्लास इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इज टू बी सबमिटेड इन ओरिजिनल इसको बोनिफाइड बोलते हैं आप स्कूल जाएंगे एक परफॉर्मा होता है हर स्कूल वालों का वो क्या करेंगे उस उसमें लिखा होता है टू होम एवर इट मे कंसर्न उसमें आपकी एक फोटोग्राफ लगवाएंगे उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी एज पर दिकॉर्ड और आपकी जो आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं वो होगा वो एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका स्कूल वाले देंगे वो ओरिजिनल ही भेजना पड़ता है आ को डो रिमेम्बर दिस पॉइंट डुप्लीकेट मत भेज देना उसके अलावा फोटो कॉपी ऑफ आधार कार्ड इज अगेन मैंडेटरी और बहुत साइड्स की फोटो कॉपी होनी चाहिए ऐसे नहीं कि फ्रंट का आपने करके भेज दिया एंड इट इज अ मैंनेटरी रिक्वायरमेंट फेलिंग विच एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड अगर आपने आधार कार्ड नहीं भेजा तो आपके एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट कर देंगे मैं आपको बताता हूँ क्लियरली ठीक है एफ पॉइंट क्या है साथ में दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी भेजेंगे ओके तो ये कुछ छह चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट जितने भी पेरेंट्स हैं वो लिख लीजिएगा कहीं पर ताकि आप ये सारी चीज़ें अपने तैयार कर लें आर के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले ताकि जब फिल करें और उसको बाई पोस्ट जब आप भेजें तो ये सारी चीज़ें आपके पास हों लास्ट डेट कब है सबमिशन की मैं आपको बता दूं देखिए एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स बाय फिफ्टी अप्रैल 2023 क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है तो अब आप फॉर्म मंगा के भेज भी सकते हैं लेकिन 15 अप्रैल से पहले पहले ठीक है फेबररी चल रहा है फिर मार्च आएगा फिर अप्रैल आएगा तो आपके पास ये मान के चलिए कि अभी दो महीने का टाइम तो है लेकिन फिर भी मैं पेरेंट्स से ये कहूँगा कि दो महीने के टाइम को ना कंसिडर करते हुए जितनी जल्दी कार्रवाई हो सकती है उतनी जल्दी कार्रवाई करें एप्लीकेशन फॉर्म मंगाएं और जो भी डाउट्स हैं पहले उसको क्लियर करें हमसे फ़ोन करके पूछें और एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपरली भरें एक बार हमसे क्रॉस वेरीफाई भी करवा लें और फिर उसको अच्छे से भेजें ताकि बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल ना हो ओके तो 15 अप्रैल लास्ट डेट है कभी कभी एक्सटेंड हो जाती है बट ऐसा सोचना भी अभी ठीक नहीं रहेगा मान लें पंद्रह अप्रैल को पत्थर की लकीर समझ लो कि पंद्रह अप्रैल इज द लास्ट डेट ओके Kindly note that application form must be sent to the state गवर्मेंट and not to the Rashtriya इंडियन College कॉलेज दरादून य भी कभी कभी parents गलती करते हैं वो क्या करते हैं जो भी उनका application form है कहाँ भेजते हैं RMC भेज देते हैं अरे RMC नहीं भेजना जो आपके respective state governments हैं, okay? वो address आपको कहाँ मिलेगा वो जो prospectus आएगा ना जब आप application form मंगाएंगे, साथ में prospectus भी आएगा last seven years papers भी आएंगे उस prospectus में सारी चीज दी होंगी उत्तर प्रदेश तो लखनऊ का सेंटर दिया होगा कहाँ पर आपको उसको भेजना है ठीक है रेस्पेक्टिव जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहीं फॉर्म्स जाते हैं ठीक है थीके? ओके चलिए बढ़ते हैं आगे ओके इसके अलावा देखते हैं और क्या क्या, -क्या चीज़ें हैं आई थिंक प्रेस रिलीज हमारा आ, पूरा हो चुका है सो प्रेस रिलीज वी हैव सीन ठीक है तो यही चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट लास्ट डेट याद रखना फिफ्टींथ अप्रैल ट्वेंटी है एग्जाम डेट क्या है थर्ड ऑफ जून है ये चीज़ें ध्यान रखनी है आप लोगों को और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं जाने से पहले कुछ और चीज़ें आपको बता दूं लेट्स टॉक अबाउट द रिजल्ट ओके तो हमारा स्टूडेंट है अहम हेमंत एहर अभी रिसेंटली इसने आर एम सी ज्वाइन किया है मैं ही इसको छोड़ने गया था आर एम सी में तो ही हैज क्वालिफाइड हिज मतलब आप कह सकते हो तो जो इसका एम था वो उसने क्वालिफाई कर लिया है अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर लिया है नाउ इट्स योर टर्न अभी आपकी बारी है कि आप भी अपने सपने को इसी तरीके से पूरा करें और खूब मेहनत करें और हम आपके साथ हैं ठीक है जो भी अभी अगर आपको डाउट है क्वेरी है तो हमसे पूछें एंड ही इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र उसके अलावा वी हैव आरव भगत ही हैज़ ऑल्सो ज्वाइंड इसने भी ज्वाइन कर लिया है ही इज़ फ्रॉम पंजाब कंग्रेचुलेशन टू हिम ऑल्सो इसका भी जो ड्रीम था वो पूरा हो गया एक तरीके से देखा जाए अब आपका सपना है आप भी पूरा करें पूरी मेहनत करें थोड़ा सा आप देख रहे होंगे आरभ भगत को देख के आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ओबीज है चबी है थोड़ा सा फैट देखने को मिलेगा लेकिन आर एम सी वाले क्या दौड़ाते हैं ठीक है और पहले आपको सात आठ किलोमीटर दौड़ाएंगे फिर एक ब्लैंकेट के अंदर पैक कर देंगे और गर्म गर्मी में बाहर आउटडोर की बात कर रहा हूँ फिर आपका आपकी बॉडी जब स्वेटिंग होती है तो आपका एक दिन में दो तीन किलो वो कम करवा देते हैं ठीक है तो ये उनका तरीका है तो अगर आपको मैं इससे मिलवाऊंगा नेक्स्ट टाइम फाइंड we'll हिम कि ये अपने बेस्ट शेप में होगा ठीक है मैं अभी राजकुमार से मिला जिसके बारे में मैं बच्चों को बता रहा था कि ही वॉज इन द फिफ्थ रिजर्व लिस्ट फ्राम राजस्थान लेकिन हो गया सिलेक्शन और पेट उसका काफ़ी भाड़ था लेकिन अभी जब मैं उससे मिल के आया तो uh, अब मैंने देखे तो नहीं लेकिन सिक्स पैक्स abs ज़रूर उसके दिख रहे होंगे ठीक है ये मैं श्योर कर सकता हूँ और लास्ट uh, जाते जाते आपसे ये कहूँगा कि आर के जो एडमिशन्स हैं वो अभी चल रहे हैं ठीक है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं ओके नीचे दिए गए नंबर्स मैं आपको बता दूँ इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेरी यू कैन कॉल इन दिस गिवन नंबर्स ओके वैसे तो मैं सारा जो नोटिफिकेशन है सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं मैं डिस्कस कर चुका हूँ उसके अलावा भी अगर पेरेंट्स के कोई भी डाउट हो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो तो इन नंबर्स में फ़ोन करें ये व्हाट्सएप नंबर भी है आप मैसेज भी कर सकते हैं दिस इज़ माई नंबर ओनली फर्स्ट वन अगर आप मेरे नंबर पर फ़ोन करें मैं ना उठा पाऊँ सपोज मैं लाइव हूँ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो दूसरे नंबर पर ज़रूर फ़ोन करें आपकी क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा उसके अलावा टेलीग्राम में भी आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा एट द रेट डी ओ डी डी एन सर्च करेंगे यूल फाइंड इट उसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हम कोशिश करेंगे कि इसका लिंक डाल दें ताकि वहाँ पर भी बच्चे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं उसके अलावा वेबसाइट में तो आपको मिल ही जाएगा हमारा लिंक ठीक है आप हमारे वेबसाइट में जाकर भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और मैं बता दूँ कि आर के एडमिशन चल रहे हैं अगर आपको आर की प्रिपरेशन करनी है और सबसे बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आप हमारे पास आइए आप हमारे पास चाहें तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं आप चाहें तो लाइव भी तैयारी कर सकते हैं आर की और चाहें तो ऑनलाइन कोर्स से भी पढ़ सकते हैं जो कि है रिकॉर्डेड सेशंस ठीक है तो सभी प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें फ़ोन करके आप पता करें आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और है भी क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है आज का सेशन ताकि पेरेंट्स अवेयर हो जाएं जो जो डॉक्यूमेंट्स कमी है उसको पूरा करें और बच्चे का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको जल्द से जल्द भेजें याद रखेगा पंद्रह अप्रैल इज द लास्ट डेट और तीन जून को एग्जाम है बच्चों का फाइनली ऑल द बेस्ट कहूंगा सभी आर एम से से जय हिंद सी सून बाय ऑल द बेस्ट वंस अगेन